ये तो पूरा पढ़ेंगे तब पता चलेगा किसने लिखा है क्या। क्या होगा नए वर्ष में सब सेवा में बिजी हो गए।
बोलते हैं कि मैं कैसे मान लूं कि वो शंकर की पॉट बजाने वाली आत्मा है, इसका क्या जवाब दूंगा? आप कहते क्यों सीधा सीधा कि शंकर की पॉट बजाने वाली आत्मा है? बाबा बोलते हैं कि प्रजापिता हो ही नहीं सकता है? ऐसा ये भी बोलते हैं ना कि प्रजापिता को मैं कैसे मान लूं कि प्रजापिता है वो, क्या आधार है? मैं बोली तो अपना अंदर की शक्ति होनी चाहिए ना पहचानने की, तो बोलते हैं कि मैं कैसे मान लूं। मैं बोली ब्रह्मा बाबा को आपने कैसे मान लिया कि इसमें सिद्धि प्रवेश है? उनको ये बताओ कि ब्रह्मा बाबा तक पहुंचने के लिए और उनकी वाणी सुनने के लिए पहले 7 दिन का कोर्स देते थे कि नहीं देते थे? बेसिक में देते थे नहीं देते थे? देते थे। ऐसे ही एडवांस में पहुँचने के लिए एडवांस कोर्स 7 दिन का लेना पड़े। जब तक एडवांस कोर्स नहीं समझेंगे, और वो भी दुनियावी बातों के आधार पर नहीं, मुरली के आधार पर, अव्यक्त वाणी के आधार पर, और जो तुम्हारे 4 चित्र हैं पुराने माउंट आबू से छपे हुए, भले तुम उनको अभी नहीं मानते हो, उन चित्रों के आधार पर आकर के 7 दिन समझो, तभी तो बात बुद्धि में बैठेगी। एक सेकंड में छुमंतर काली हो सकता है? 63 जन्म भगवान को ढूंढते रहे, मिल गया क्या? इन आंखों से देखने की चीज है क्या जो देखने में आ जाएगा? इतनी बात नहीं बता सकते। आप आए थे, आपने बात समझा, भट्टी किया, नीचे पत्र लिख के दिया, तो कैसे दिया? आपकी समझ में कैसे आया? ये किया ना, तो यही बात उनको बताओ। लखनऊ में जो गीता पाठशाला है युगल चलाते हैं, तो वहाँ से 8-10 बच्चे निकल चुके हैं। हाँ। तो मैं बोली अब मुखिया को निकालना चाहिए, तो मैंने इसलिए फोन की थी उनको, तो फिर उन्होंने ऐसा मुझे बोला, बोले कि मतलब यहाँ जितनी भी माताएं गई है सब बोलते हैं मुझे वहाँ कुछ समझ में नहीं आता है। फिर मैं माताओं से बात की तो बोलते हैं दीदी झूठ बोल रही हैं, हम लोग तो सभी डेली मूल्य सुनने जाते हैं भूतनाथ से। तो फिर मैं अभी तो फोन नहीं किया दोबारा उनसे। बाबा ने मुरली में कहा कि अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। बाबा हमसे अच्छा तो बेसिक वाला होगा ना। ले जाएंगे कि ले गए? बेसिक नॉलेज में क्या हुआ? जो अंदर वाले सरेंडर होकर के बैठे हुए थे, घाट छोड़ करके आए हुए, वो अभी तक अंदर ही बैठे हुए हैं, उन्हें बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है कि भगवान गृहस्थ में आकर के गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थियों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहा है। अंदर वाले रह गए, और जो गृहस्थ का जीवन, टीचर का जीवन बिताने वाले बेसिक नॉलेज में थे वो ले गए। यहाँ कोई ऐसा बैठा हो जो गृहस्थी ना हो, बाहर रहने वाला ना हो, सरेंडर होकर के रहा हो, है बैठा हुआ? भगवान गृहस्थियों को पढ़ाई पढ़ाने आता है या सन्यासियों को पढ़ाई पढ़ाने आता है? गीता ज्ञान सन्यासियों के लिए है या अर्जुन जैसे गृहस्थियों के लिए है? तो समझ में आ सकता है कि भगवान कहाँ पढ़ाई पढ़ाता है। सन्यासी जीवन बिताने वाले सफेद कपड़ों वाले हों, चाहे लाल कपड़े वाले हों, चाहे पीले कपड़े वाले हों, चाहे काले कपड़े वाले हों, उन सन्यासियों के पास भगवान आता है क्या? नहीं आता। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी सन्यासियों के पास नहीं आता है। इसलिए मुरली ने बोला है जहाँ 36 प्रकार के भोग मिल सकते हैं वहाँ मैं नहीं आता हूँ, जहाँ बच्चों को रोटी भी नहीं नसीब होती है वहाँ मैं आता हूँ। भगवान को गरीब निवास कहा जाता है।
बाबा बोलते हैं कि बाबा ने हमें अपनी गद्दी पर बिठाया है, पहले बोलते थे जब मैं जाते थे तो जो भी बात हो हमसे डायरेक्शन लेके करो, तो क्या ऐसा ही? भगवान भविष्य के लिए गद्दी नसीन बनाता है कि वर्तमान में गद्दी देने आता है? वर्तमान में तो भगवान खुद ही आता है, बच्चे आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट, भगवान आता है सेवाधारी बन करके, और बच्चे क्या बन के बैठ जाते हैं? हुक्मरान बन के बैठ जाते हैं, हमसे डायरेक्शन लेकर के ऐसा करो। बाबा अज्ञान में इतने माया संपत्ति नहीं लगी, ज्ञान में आने के बाद इतना क्यों संपत्ति है? एडवांस में डायरेक्ट आए या बीके में आए? बीके में थे ना, बीके में आए ना, तो उस दुनिया में, बाहर की दुनिया में जब पाप करते हैं तो माया अपोजिशन करने वाली प्रैक्टिकल में होती है क्या? और यहाँ तो भगवान भी प्रैक्टिकल में है तो माया भी प्रैक्टिकल में है, तो अपोजिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और बेसिक में कम अपोजिशन होगा, एडवांस में और ज्यादा होगा। बेसिक में कम विघ्न बाधाएं और एडवांस में विघ्न बाधाएं भी एडवांस में आती है। बाबा वो एक लव्य की कथा है, मैं द्रोणाचार्य को गुरु मानने के लिए वो गया था, लेकिन वो अच्युत होने के कारण उसको द्रोणाचार्य ने डायरेक्ट शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन बाद में उसी गुरु का उन्होंने पुतला बना के उसका आशीर्वाद लेकर, मतलब उसे सामने रखकर वो पढ़ा और उसने विद्या प्राप्त कर ली, यानी गुरु के डायरेक्शन के मुताबिक वो बिहेवियर कर रहा था, लेकिन अंत में गुरु ने उसका अंगूठा क्यों मांगा कि अंगूठा तो आत्मा की निशानी है? गुरु जो है, जो एकलव्य ने जिस गुरु को गुरु माना, वो गुरु निराकार था या साकार था? साकारी था जी, तो माना नहीं वो साकारी। गुरु देहधारी को माना या जो देह को धारण ही नहीं करता, कोई भी कर्म करता है देह में धरा हुआ नहीं रहता है, देह से उपराम होकर के कर्म करने वाला है, उसको गुरु माना? देहधारी को माना तो माना, देहधारी को गुरु माना तो देहधारी क्या करेंगे? देहधारी स्वार्थी होते हैं या निस्वार्थ होते हैं? स्वार्थी होते हैं। इस मामले में गुरु द्रोणाचार्य को अच्छा कौन कहेगा? कोई अच्छा कहेगा? कोई अच्छा नहीं कहेगा। अरे द्रोणाचार्य के अंदर तो खुद ही ईर्ष्या की आग भरी हुई थी कि राजा द्रुपद ने हमको अपने समान क्यों नहीं माना, हमको अपना दोस्त क्यों नहीं माना, मैं उसको दंड दूंगा। भगवान तो सिखाते हैं बदला न लो, बदल के दिखाओ। बाबा कराची से मुरली चली आई है, तो मुरली चलाने के लिए वहाँ कौन निमित्त है, किसके द्वारा मुरली चली? बाबा सिंध हैदराबाद को पहले ही छोड़ करके कराची चले गए थे अकेले, ब्रह्मा बाबा उस समय सारा सत्संग नहीं गया, कोर्ट कचहरियां हुई और चारों तरफ ग्लानी उड़ी, तो उसका रिजल्ट ये आया सभी कन्याएं माताएं तालों के अंदर बंद कर दी गई सिंध हैदराबाद में। उस
समय से लेकर के और 1947 के कराची में हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान के खून खराबे के झगड़े के समय तक वो तालों में बंद रही। जब खून खराबा हुआ तो 300-400 कन्याओं माताओं को सबको मौका मिल गया स्वतंत्र होने का, और वो भाग करके कराची आ गई। पहले ब्रह्मा बाबा अकेले थे, अकेले दुकेले कोई आते थे मिलने के लिए, और अब 47 में क्या हुआ, 300-400 कन्याओं माताओं शक्तियों का सहयोग मिल गया। तो ब्रह्मा बाबा का नशा चढ़ेगा अचानक या उतरेगा? नशा चढ़ गया, हिम्मत आ गई, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, बाप ने प्रवेश कर लिया। पर उनकी उम्र 50 साल की थी ना तब, समय 47 में 60 साल की उम्र होगी तभी तो प्रवेश करेंगे। 36 में उनकी 50 साल उम्र थी, उस समय भागीदार में प्रवेश हुआ था और भागीदार ने उनके साक्षात्कारों का अर्थ दिया था, क्लैरिफिकेशन दिया था। ब्रह्मा के अंदर शिव की प्रवेशता साबित नहीं होती, अगर साबित होती है तो 47 से लेकर के 76 तक बाप के प्रत्यक्षता वर्ष तक उनकी आयु 100 साल पूरी नहीं हो रही है। क्या बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ? अगर 47 में ब्रह्मा के बहुत जन्मों को माने, 84वां जन्म माने और 84वें जन्म का अंत और उसका भी अंत, माने 60 साल में जो ब्रह्मा के 40 साल रह गए वो भी जोड़ दें तो 77 आता है या 87 आता है? 87 आता है। तो 87 में बाप की प्रत्यक्षता वर्ष होना चाहिए, 76 में कैसे हो गया? वो इस तरह हो गया कि 36 में भागीदार में प्रवेश किया था, वो 60 साल का था, उस समय ब्रह्मा बाबा की आयु 50 साल थी। ज्ञानामत पत्रिका में भी इस बात का प्रूफ मिल गया जो बीके वालों के द्वारा ही लिखी हुई है। हाँ, निर्मल शांतनाथ जी का लेख। सन 36 में प्रजापिता की आयु 60 साल, ब्रह्मा की आयु कितनी है शास्त्रों में और कितनी मानी जाती है? 100 साल। तो वो 100 साल का अंतिम टाइम पूरा होने के लिए कितने साल और ऐड किए जाए? 40 साल। 36 में 40 साल ऐड किए तो कौन सा सन आया? 76 आया। ब्रह्मा के 100 साल पूरे होने पर ब्रह्मा मृत्युलोक खलास हो जाता है। ब्रह्मा के 4-5 रूप हैं, तो पहला रूप भी कोई है? वो पहले रूप वाला ब्रह्मा जब 100 साल पूरा करता है तो उसका मृत्युलोक खलास हो जाता है। मृत्युलोक खलास होगा तो आत्मा का पहले खलास होगा या शरीर का पहले खलास होगा? मन बुद्धि रूपी आत्मा, वो मनन चिंतन मंथन की ऐसी स्टेज पकड़ गई इसमें मृत्युलोक का उसको दुख नहीं भासेगा, वो मन बुद्धि से सुख ही अनुभव करेगा, ऐसी चीज मिल जाती है, अविनाशी ज्ञान मिल जाता है। तो 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। शताब्दी में कृष्ण वाली आत्मा अर्थात सेकेंडरी ब्रह्मा, उस ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं।
87 में जब 100 साल पूरे होते हैं तो वो भी मृत्यु लोक को त्याग कर अमर लोक में आ जाता है और उसकी यादगार नहीं उसकी यादगार बनती है सागर में पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में कृष्ण बच्चा आराम से लेटा हुआ है आत्मिक स्मृति का अंगूठा देखते हुए सन 87 से वो स्टेज पकड़ती है आत्मा वो बच्चे की प्रत्यक्षता है बच्चे ने जंप लगाई मृत्यु लोक से अमर लोक की ओर इसलिए पूरे एक वर्ष दादा लेखराज ब्रह्मा गुलजार दादी में अव्यक्तवाणी नहीं चलाई उस समय सारी ताकत लगा दी एडवांस पार्टी में और गर्भ महल की प्रत्यक्षता हुई तो 47 में ब्रह्मा की आयु कितनी थी 50 47 में 60 साल और 36 में 50 साल और सरसों का तेल बोला तो पूरी राम की बहना है हर बात में बेहद बेहद माना कि अगर नींद आती है तो नींद भी बेहद की आती है हद की नींद में बेहद का सरसों का तेल लगेगा जोर से बोलो गीता स्वयंवर नहीं द्रौपदी स्वयंवर ज्ञान तेल है ना ज्ञान का तेल है ना उस ज्ञान के तेल में जो लक्ष्य है वो ऊपर है लक्ष्य क्या है ऊंचा ऊपर और देखना कहाँ है इस नीचे की दुनिया में ज्ञान कहाँ है इस नीचे की दुनिया में ऊपर की दुनिया में ऊपर की दुनिया में ज्ञान है ज्ञान तो इस नीचे की दुनिया में है तो ज्ञान तेल के कड़ाव में देखा उसके प्रतिबिंब को और बाण चलाया ऊपर तो ये ज्ञान का बाण है जो उस घूमती हुई चक्कर खाती हुई मछली को बेच देता है मछली भी चैतन्य होती है उसको बनाई उन्होंने जड़ की लक्ष्य भेद करना है बाण मारना है कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली तो बाण किसके लिए चलाया गंगा को निकालने के लिए और ये लक्ष्य भेद किसके लिए हुआ द्रौपदी के लिए जिसका ध्रुव पद है उसके पद को कोई कितना भी नकारना चाहे कितनी भी ग्लानिंग करे लेकिन उसका पद ध्रुव है निश्चित है टलने वाला नहीं है बाबा ने बोला है कि जो जिस धर्म की आत्मा होगी विनाश से पहले उस मतलब राज उस देश में चली जाएगी है
जो जिस धर्म की आत्मा होगी बीज रूप वो उस अपने देश में चली जाएगी। नहीं ऐसे नहीं बोला, ये बोला कि जो भी बीज है सृष्टि के वो सारी सृष्टि के बीज कितने जन्म लेने वाले हैं? पूरे 84 जन्म लेने वाले। अगर पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा अंत समय में दूसरे धर्म में चली जाए तो उसके जन्म कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम हो जाएंगे। तो अर्थ ये नहीं है, ये नहीं बताया कि बीज रूप आत्माएं जो है कोई कोई दूसरे धर्म में चली जाएंगी। थोड़े समय के लिए ये शूटिंग होती है, क्या जब तक बाप की पूरी प्रत्यक्षता न हो तब तक के लिए, कि जो भी और धर्म की आत्माएं हैं वो अपने अपने ग्रुप का पल्ला पकड़ लेंगी और साबित हो जाएंगी कि ये कन्वर्ट होने वाले इस धर्म के बीज हैं। नहीं तो कैसे पता चलेगा? हैं? पता चल जाएगा। और पता चलने के बाद जो भी कन्वर्ट होने वाले हैं वो कन्वर्शन में चले गए तो कौन से वंश के बचेंगे? सूर्यवंशी बचेंगे। जो सूर्यवंशी बचेंगे वो ऊंची स्टेज पकड़ लेंगे और बाकी सब अपना शीशा, सबको अपना शीशा देखने को मिल जाएगा कि हम आसुरी धर्म के हैं या दैवी धर्म के हैं। बारह जो है वो राजा क्वालिटी की है या प्रजा क्वालिटी की है? तो उनकी प्रजा नहीं होगी। एक एक राजा की लाखों की तादाद की प्रजा होती है। यहाँ राजाएं बनते हैं तो उन्होंने अपनी प्रजा नहीं बनाई होगी। तो राजा यथा राजा तथा प्रजा सब एक जैसे होंगे या सिर्फ 12 ही होंगे? सब एक जैसे होंगे। सूर्यवंशी होंगे पक्के, तो 7 सूर्यवंशी होंगे। हाँ जब वो डायनेस्टी प्रत्यक्ष हो जाएगी तो दूसरी डायनेस्टी भी प्रत्यक्ष होंगी, वो भी मानेंगी, अपने स्वरूप को पकड़ेंगी, सजाएं खाएंगी और एक बाप को मानेंगी, एक बाप की छत्र छाया में आएंगे। कब? 36 का, 2036 का विनाश होने से पहले ही मानेंगी। है कितनी? 4.5 लाख तो है, कितनी है? 4.5 लाख तो है, 4.5 लाख तो उनमें प्रवेश करने वाले हैं जो बच्चे के रूप में जन्म लेंगे 84। तो 9 लाख सितारे होंगे जो लास्ट विनाश के टाइम पर सारी दुनिया में चमक मार रहे होंगे। नहीं तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश कैसे मिलेगा? प्रैक्टिकल में संदेश मिलना है या नहीं मिलना है? मिलना है। तो ऐसे नहीं अंत समय में विनाश के समय में सब दूसरे धर्म में चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे और फिर आएंगे। नहीं तो उनके पार्ट कैसे प्रत्यक्ष होंगे? पार्ट प्रत्यक्ष होना है या नहीं होना है? होना है। और बाबा जैसे आदि में ज्ञान सूर्य बाबा के साथ सूर्यवंशी बच्चे चले गए थे, वैसे और ब्रह्मा बाबा के साथ चंद्रवंशी माताएं चली गई थी, वैसे अंत 300-350 कन्या माताएं जो ब्रह्मा बाबा के साथ चली गई थी पराजी, वैसे अंत में भी सूर्यवंशी बाहर की दुनिया में होंगे या नई दुनिया का संगठन होगा? नई दुनिया का जो संगठन होगा सूर्यवंशी वो अंदर की दुनिया में होगा, 500 करोड़ की दुनिया में होगा या उससे परे होगा? तो परे ही होगा। और जो ब्रह्मा बाबा के साथ में जो कन्याएं माताएं थी वैसे जो चंद्रवंशी निकलेगा तो
ग्रुप साथ में रहेगा या अलग से रहेगा? अभी ब्रह्मा वाली आत्मा राम वाली आत्मा के साथ नहीं है क्या? है ना? तो ऐसे सभी का होगा। बाबा ने बोला कि जब सत्युगी बच्चे होंगे उनको लालन पालन करने की जरूरत नहीं होगी, वो पैदा होते हैं चलने लगेंगे बात करने लगेंगे। तो कृष्ण और जो राधा पहली मतलब जो होंगे वो भी, कृष्ण जो पहला प्रिंस होगा और प्रिंसेस जो राधा होगी वो भी तो मतलब इसी तरह होगी ना, पैदा होते चलने और बात करने लगेंगे ना। बाबा यही मुझे पूछना था, यही मुझे पूछना था सत्युगी बच्चे मतलब पैदा होते बात करने लगते हैं चलने लगते हैं क्या? और क्या बात, सच्ची पैसा करते रहेंगे दो ढाई साल उनके माँ बाप को सफाई करनी पड़ेगी। और आज से दुनिया में भी ऐसे ऐसे कोई कहीं कहीं बच्चे पैदा हो जाते हैं कि माँ को तकलीफ होती नहीं, तो वहाँ की तो बात ही निराली है। माया का विघ्न नहीं आने के लिए क्या करना? अभी तो बताया मुरली, निरंतर सेवा में लगे रहेंगे तो माया को मौका ही नहीं मिलेगा। आज की मुरली में ही तो बताया, और जो आत्मा सबसे नीचे जाएगी वो सबसे ऊपर जाएगी या नहीं? ये आत्मा की शक्ति की बात है, जो जितना नीचे गिरता है वो उतना ऊंचा भी जाता है। नीचे गिरना या पतित होना बात एक ही है या अलग अलग? एक ही बात है। और भगवान पतितों के लिए आता है या जो ऊंचा उठ करके रहते हैं उन सन्यासियों के लिए आता है? बड़े से बड़े काम ही कांटे में आकर उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ, माना पतित से पतित तन में आता हूँ और उसको एवर प्योर बनाता हूँ आप समान। तो राम वाली आत्मा वो सारी मनुष्य शक्ति का बाप है ना, और बाप की जिम्मेवारी होती है घर में अगर आग लग जाए तो अपने आखिरी बच्चे को भी आग से निकालेगा क्या? कि भाग जाएगा? निकालेगा। तो इस दुनिया में काम विकार की आग अंत तक बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? पुरुषार्थ करने वालों की आत्मा पावरफुल होती जाएगी लेकिन शरीर सड़ते जाएंगे। परंतु जिन्होंने याद के बल से अपनी आत्मा को पावरफुल बनाया है वो हिम्मत वाले होंगे या हिम्मतहीन होंगे? हिम्मत वाले होंगे, बल शरीर सड़ा हुआ हो तो भी हिम्मत वाले होंगे। और हिम्मत बच्चे मदद देवा माता लोग, तुम बच्चे हो तमो प्रधान, तमो प्रधान आत्माएं सेवा नहीं करती है, उनमें बाप दादा प्रवेश करके सेवा करते हैं।
उतनी ही सेवा करते हैं जितनी हिम्मत करते हैं। माया देखो कितनी हिम्मत करती है, इतनी जबरदस्त हिम्मत करने वाली माया कि सारी दुनिया एक ओर और अकेली माया एक ओर हो जाती। जैसे बाप के बच्चों के लिए बोला, यज्ञ के आदि में भी बोला, एक बाप एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ, तो कितनी हिम्मत करती है। लेकिन बाप की बेटी है तो बाप उस बेटी को भी हिम्मत में मदद देने के लिए बांधा हुआ है। शरीर अशक्त होना माने पांच तत्व जो है शरीर के तामसी बनते जा रहे हैं। भले कोई कितना भी योगी हो, शरीर तामसी बन रहे हैं, पांच तत्व शरीर के तामसी बनते हैं जा रहे हैं या सात्विक बन रहे हैं, तामसी बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो भी आत्माएं हैं 500-700 करोड़, वो तामसी वाइब्रेशन वाली ढेर की ढेर बढ़ती जा रही है या ज्ञानी तो आत्माओं की संख्या बढ़ रही है। तामसी आत्माओं की संख्या ढेर की ढेर हो गई है और ऊपर से और भी उतरती जा रही है, उतरती है और तुरंत थोड़े समय के बाद तामसी बनने लग पड़ती। तो सारी दुनिया में तामसी वाइब्रेशन बढ़ रहा है या सात्विक वाइब्रेशन बढ़ रहा है? तामसी वाइब्रेशन बढ़ रहा है। और प्रकृति के पांच तत्व जड़ है या चैतन्य है? जड़ तत्व तो ज्ञान को पकड़ेगा नहीं, और ज्ञान को पकड़ने वाली मुट्ठी भर आत्माएं बहुत थोड़ी है। तो प्रकृति के जो पांच तत्व हैं वो और ही तमो प्रधान बनते जावेंगे या सतो प्रधान बनेंगे? और ही तमो प्रधान बनते जावेंगे। और अभी तो अव्यक्तवाणी में ब्राह्मणों के लिए तो खास बोल दिया है, बहुत खतरनाक बात बोल दी है। क्या बाबा? अभी तक तो ब्राह्मणों की लड़ाई थी पांच विकारों के साथ। क्या? पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और खुदा खास्ता के अलबेलापन की सुस्ती। फिर अभी बीच में बोला कि माया हिम्मत हार गई है, हिम्मत हारते हारते बार बार जैसे कामा में गई या फिर भी लड़ाई लड़ती रही, आखिरी हाँ हो गए, साकार शरीर हाँ हो गया, जो लोकलाज का बंधन था ब्राह्मणों की दुनिया में या गुरुओं को लोकलाज का बंधन होता है ना, कितने सब ब्राह्मण फॉलोअर हैं उनको अभी तक मैं मना करती रही कि भगवान नहीं आया हुआ है साकार में। अंदर से तो रावण माया जानता था ये भगवान है, लेकिन अहंकार के कारण मानता नहीं था। ऐसे ही माया बेटी भी जानती थी अंदर से, लेकिन अहंकार के कारण, कौन सा अहंकार कि मेरा टाइटल क्या है, क्या टाइटल है? सर्वशक्तिमान। मेरा टाइटल सर्वशक्तिमान। अगर कोई दूसरे बच्चे पहले पहचान लेंगे और सरेंडर हो जाएंगे तो टाइटल किसके पास चला जाएगा? उन्हीं के पास चला जाएगा। इसलिए न मैं जीते भी मरूंगी न मरने दूंगी।
शरीर रहते रहते उन्होंने न माना न दूसरों को मानने दिया, अब शरीर छूट गया। अब लोकलाज के बंधन से तो फ्री हो गई। जो बड़े बड़े गुरु होते हैं वो ईश्वरीय ज्ञान जब सुनते हैं प्रदर्शनी वगैरह में तो इतना तो मान लेते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, अंदर से समझ लेते हैं, लेकिन अपने चेलों के सामने कभी स्वीकार नहीं करते। लोकलाज का बंधन होता है। तो ये लोकलाज का बंधन शरीर रहते रहते जबरदस्त था, सच्चाई को उबलने की हिम्मत ही नहीं थी, और अब लोकलाज का बंधन टूट गया। तो जो लोकलाज का बंधन टूट गया तो अब वो आत्मा स्वतंत्र हो गई लोकलाज के बंधन से, या अभी भी परतंत्र है? है? स्वतंत्र हो गई। अब सिर्फ एक बात का बंधन है, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर उन्हीं आत्माओं को मिलता है जो सूर्यवंशी पक्के नहीं होते। क्या ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा उससे कौन सा वंश शुरू होता है? चंद्रवंश। विधर्मियों के बीच में सूर्यवंशियों के मुकाबले चंद्रवंशी ही तो सबसे ऊंचा है, और उसका जो मुखिया है वो ही सूक्ष्म शरीर धारण करता है। तो और कौन सी विधर्मी आत्मा रह जाएगी जो सूक्ष्म शरीर धारण न करे? जब चंद्रवंशियों का मुखिया ही ज्ञान सूर्य को नहीं पहचान पाता शरीर रहते रहते, तो उनके फॉलोअर्स भी नहीं पहचान सकते। और इस ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की रहबरी में पलने वाले जो और धर्म है, दूसरे धर्म जो द्वापर युग से आते हैं, इब्राहिम का इस्लाम धर्म, बुद्ध, क्राइस्ट, उन धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो भी तो आकर के सिंध हैदराबाद में ब्राह्मण बनी थी ना, कि नहीं बनी थी? सिंध हैदराबाद में आके ब्राह्मण बनी, इसलिए उस समय हैदराबाद की आबादी 9 लाख थी। नई दुनिया शुरू होती है तो आबादी कितनी होती है? 9 लाख। तो शूटिंग भी कितने से शुरू होती है? 9 लाख से। उन 9 लाख आत्माओं के बीच में सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों को छोड़ दो तो बाद में कौन से वंश के आते हैं जो कन्वर्ट हुए भी आ गए? इस्लामियों की कोई मुखिया भी आत्माएं होंगी कि नहीं होंगी? आई हुई कन्वर्ट होने वालों में कोई सबसे पहले कन्वर्ट हुए होंगे, वो कौन थे? वो ही आत्माएं हैं जो राधा कृष्ण के सतयुग में भी वारसदार बनते हैं, और यहाँ संगम युग में भी ब्रह्मा बाबा ने उन्हें जैसे अपना वारसदार बना के रखा। कौन आत्माएं थी वो? भाइयों में कौन था? विश्व किशोर भाऊ के हाथ में सारा यज्ञ का दारू मदार सौंप के रखते थे बाबा, और कन्याओं माताओं के बीच में मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद सबसे जास्ती खातिरी किसकी होती थी? मुझे बोला इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमार का जी। तो खातिरी करने वाला कौन मुख्य? खुद ब्रह्मा बाबा। तो सबसे जास्ती खातिरी की अपने चंद्रवंश के जो फॉलोअर्स थे उनमें से किसी की खातिरी क्यों नहीं की?
और सूर्यवंशी में ऐड होते हैं। ये सारे सूर्यवंशी में ऐड हो जाते हैं? चंद्रवंशी सारे तो नहीं हो जाते होंगे? सारे नहीं, जो सूर्यवंशियों में ऐड हो जाते हैं वो तो चंद्रवंश को त्याग देते होंगे ना, त्याग करके तब तो इधर आएंगे, अपने को ट्रांसफर करेंगे ना। और जो ट्रांसफर नहीं करते हैं, वन शरीर छूट जाए, ऐसे और धर्मों में भी होता है, जो अपने धर्म के पक्के होंगे वो कभी कन्वर्ट नहीं होंगे ब्राह्मण धर्म में, क्या है कि नहीं? ऐसे ढेर सारे हैं, ऐसे यहाँ भी हैं, जो पक्के चंद्रवंशी होते हैं। तो भगवान आ जाए चाहे भगवान का बाप आ जाए वो नहीं कन्वर्ट हो सकते। कुछ आत्माएं ऐसी निकलती हैं जो ज्ञान सूर्य को पहचान लेती है, वो विजयमाला में आ जाती है। हैं वो भी ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाले, क्या जो विष्णु के फॉलोअर होंगे, विष्णु का कनेक्शन सिर्फ ब्रह्मा की ओर ही ज्यादा होता है, ब्रह्मापुरी में ही ज्यादा कनेक्शन होता है विष्णुवंशियों का या विष्णु का, या शंकरपुरी में भी कनेक्शन होता है, दोनों के साथ बराबर कनेक्शन होता है। इसलिए वो चंद्रवंशियों को भी अच्छी तरह पहचान लेते हैं और सूर्यवंशियों को भी अच्छी तरह पहचान लेते हैं और पाला बदल लेते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स में चंद्रवंश से नीचे कैटेगरी की आत्माएं आती है, उनकी गोद में पलती है, खेलती है, उनमें जो मुख्य है इस्लाम धर्म वाले, उनकी मुखिया है माया, जिसको बाबा कहते हैं बेटी, उसको काम दिया हुआ है। क्या काम दिया हुआ है? जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब फटकाओ। ये काम ब्रह्मा ने दिया है या शिव ने दिया है? ब्रह्मा ने दिया है, ये काम शिव बाबा ने दिया है। जो काम दिया हुआ हो बाप ने कि जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब फटकाओ, ये काम नहीं है, ये श्रीमत नहीं है, कुछ भी करो लेकिन जो काम दिया है वो करके दिखाओ। तो कितनी बड़ी मददगार हो गए। लेकिन वो माया बाप की गोद में नहीं पलती है, किसकी गोद में पलती है? ब्रह्मा माँ की गोद में पलती है, और जो भी उसके मायावी पुंगरे हैं वो भी माँ की गोद में पलते हैं। इसलिए क्राइस्ट ऑफ क्रिश्चियंस, क्राइस्ट क्रिश्चियंस की राशि कृष्ण से मिलाई जाती है, क्या क्राइस्ट की राशि कृष्ण से मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस जो है वो कौन से जानवर को दूध भात खिलाते हैं और खूब उसकी खातरी करते हैं? है? कुत्तों को बहुत प्यार मिलता है, पालते हैं। कोई कवि ने गीत भी बनाई दी है, कुत्तों को मिलता दूध भात बच्चे भूखों चिल्लाते हैं। तो मुरली में बोला है इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातरी होती है कुमार का जी। शिव बाबा खातरी करते हैं या कोई देहदारी के खातरी करता है? कोई कहता शिव बाबा खातरी करते हैं। अभी भी जो अव्यक्त वाणियां आ रही हैं
उनमें मक्खनबाजी कुमार का दादी की कौन कर रहा है, शिव बाबा कर रहा है या ब्रह्मा बाबा कर रहा है? क्यों अपने फॉलोअर्स जो इस्लाम वंशी ढेर के ढेर हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, उनके लिए वाणी नहीं चलाई, नहीं चलानी चाहिए? कौन पालना करेगा? सूर्यवंशी भी पालना करेगी, सूर्यवंशी उनकी बात को मानेंगे नहीं मानेंगे? तो ब्रह्मा की गोद में वो पलते हैं, पालना लेती है ना। अब वो पालना लेने वाले की बुद्धि में अच्छी तरह बैठ गया है क्या? क्या बैठ गया है कि मैंने जो काम करना था तो कर लिया, क्या जो करना था तो कर लिया, अब उसकी दृष्टि में आ गया कि मेरा पार्ट क्या है। पहले तो देह के बंधन में थी है? चाहते हुए भी एडवांस पार्टी में सामने जा करके कोर्स नहीं ले सकती थी, भट्टी नहीं कर सकती थी, और अब तो सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर मिल गया तो स्वतंत्र है। जहाँ कहीं भी भट्टी होती हो, जहाँ कहीं भी एडवांस कोर्स चलता हो, वहाँ जा करके अपने जो फॉलोअर्स हैं उनमें प्रवेश करके और समझ सकती है, देख सकती है, जान सकती है, ब्रह्म को पहचान सकती है। सिर्फ उनके फॉलोअर्स में ही प्रवेश, ब्रह्मा की आत्मा ने अभी तक पूरा पूरा पहचान लिया? अभी भी पढ़ाई चालू है। तो जो इस्लाम वंशियों के मुखिया होंगे सेकंड नारायण सत्युग के, वो पहले पहचान लेंगे क्या? तो निश्चय बुद्धि अनिश्चय बुद्धि, अनिश्चय बुद्धि निश्चय बुद्धि, ये चक्र चलता रहेगा। और इसके फाउंडेशन डालने वाले तो हम बच्चे ही, हमारा क्या हाल है? निश्चय बुद्धि और कभी अनिश्चय बुद्धि। माया पाठ पढ़ाती है तो निश्चय बुद्धि नहीं होती है? माया जब पाठ पढ़ाए देती है तो अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? नहीं होते, परीक्षा नहीं, परीक्षा की थोड़ा हिलाती तो है। श्रीमत पर नहीं चलने देती है, मैंने हिला मजबूरी क्या थी उनकी? तो अभी ये चलता रहेगा। माया सहयोगी भी बनेगी और माया विरोधी भी बनेगी। ये इंस्पिरेटिंग पार्टी है क्या? इंस्पिरेटिंग पार्टी का दूसरा ग्रुप है, पहला ग्रुप है ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स का, और दूसरा ग्रुप है इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले नारायण नारायणी और उनके फॉलोअर्स का। ऐसे ही ये ग्रुप प्रत्यक्ष होते जाएंगे एक के बाद एक, और वो आत्माएं एडवांस पार्टी वालों को इंस्पिरेट करती रहेंगी। मरने के बाद नहीं, जब एडवांस पार्टी वाली बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती हैं तो उनकी बीज रूप स्टेज बन जाती है, निश्चय बुद्धि बन जाती है, और एडवांस वालों को इंस्पिरेट करती है, मदद करती है, उनका उमंग उत्साह दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाता है। भले तामसी शरीर है, तामसी संस्कार है, पूरे बंदर संप्रदाय है, लेकिन जब सूक्ष्म शरीर धारण करती है वो ही आत्मा, तो अपने बेसिक वाले
फॉलोअर्स में जाके प्रवेश करती है, फिर उनको भड़काएगी। जैसे ब्रह्मा की आत्मा भी अभी दो तरह का पार्ट बजा रही है, कैसे कैसे विष्णु के स्टेज में आती है, एडवांस ज्ञान सुनती है, सबसे पहले किसकी आत्मा ज्ञान सुनती है, है? वैसे भी कहते हैं भक्ति मार्ग में जहाँ जहाँ रामायण होती है ना, तो हनुमान जी पहले पहुंच जाते हैं। हनुमान जी बहुत अच्छे, क्या नाम, ओबीडिएंट सर्वेंट थे ना, है? तो बाप दादा भी ओबीडिएंट सर्वेंट वन के पार्ट बजा रहे हैं, तो बीज रूपी स्टेज में एडवांस के सहयोगी बनते हैं, उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, और जब सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, बीज रूपी स्टेज खत्म हो जाती है, तो जो भी वहाँ चंद्रवंशी है उन चंद्रवंशियों को मक्खनबाजी करेंगे, ये चलता रहता है। बाबा अभी बोला है वो, अब जो प्रश्न किया था किसने किया था, अभी अभी प्रश्न किसने किया था माया के बारे में, है क्या माया, क्या प्रश्न किया था माया, हाँ ये बात है, माया क्यों आती है, अभी तो शरीर छोड़ दिया, अब क्यों आती है, अब इसलिए आती है कि अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है, जब कोई सब तरीके से हार जाता है, थक जाता है, बोला ना माया थक चुकी है, अव्यक्त वाणी में क्या बोला, माया थक चुकी है, सर्वशक्तिमान का टाइटल तो मिला है उसका, लेकिन सर्वशक्तिमान के आगे माया थक चुकी है, हाँ हाँ बाप के आगे माया थक चुकी है, तो जब कोई सब तरह से थक जाता है, तो कहीं से मदद मिलने की आशा करता है कि नहीं, कहीं से कोई मदद मिल जाए, माया रावण के 10 रूप हैं, 5 तो मुख्य हैं विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 हैं सहयोगी प्रकृति के 5 जड़ तत्व, चैतन्य आत्माएं भी हैं वो 5, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जो 5 तत्व हैं और उनका संघात प्रकृति है, उस प्रकृति माता से जब माया थक गई, शरीर भी छूट गया, तो प्रकृति माता से माया ने हाथ मिलाई लिया, मदद करो संतोषी माता। तो 5 विकारों ने तो बाप के बच्चों का कुछ भी नहीं अभी तक बिगाड़ पाया, बच्चे बरकरार हैं, जिंदा हैं, माया 2-4-8 बच्चों को अधमरा कर पाया होगा, लेकिन मार नहीं पाई अमरनाथ के बच्चों को, खुद मर गई शरीर से। तो उसने युक्ति अपनाई क्या, कि जो प्रकृति के 5 तत्वों के संघात वाली प्रकृति माता है, उससे हाथ मिला ले, तो होशियारी का काम किया या बुद्धू बने का काम किया, होशियारी का काम किया, जो प्रकृति माता है, जो प्रकृति जब सतो प्रधान बनती है, तो सचिव में देवताओं की अच्छे से अच्छी पालना करती है, और जब तमो प्रधान बनती है, तो सारी दुनिया का संहार करने के निमित्त बन जाती है, क्या 63 जन्मों से 5 विकारों का प्रकोप होता आया मानवीय सृष्टि के ऊपर, लेकिन सृष्टि अभी भी बरकरार है,
लेकिन जब प्रकृति तामसी बनती है, तमोपटल बनती है, पृथ्वी भूकंप लाती है, जल सागर में बाढ़ आ जाएगी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर मीलों ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, वो सब पिघला के सागर में आएंगे तो बाढ़ आ जाएगी। इतनी बड़ी बाढ़ आएगी कि जो भी महाद्वीप है वो सब समुद्र के अंदर डूब जाएंगे। पृथ्वी भूकंप लाएगी और जल बाढ़ लाएगा और अग्नि जलाएगी। क्या करेंगे? वो एटम बम फूटेंगे चारों तरफ, आग ही आग। वायु क्या करेगी? बड़े बड़े तूफान आएंगे। और आकाश, उसमें से ओजोन फट पड़ेगा और सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ेंगी। अभी ओजोन से छन करके आ रहा है या सूर्य का प्रकाश क्या? अभी जो वेद का ज्ञान सूर्य है वो भी ओजोन से छान छान करके ज्ञान दे रहा है। ओज किसे कहते हैं? तेज, ऑन। ओज आप नहीं, ओज ऑन। कहते ना ओजस्वी। तो सूर्य जो है इतनी तेजी से तपेगा, ज्ञान सूर्य भी इतनी तीखे किरणें फेंकेगा, जो गीता में आया बस 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 बंद करो, अब हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए मुरली में बोला है ऐसी तीखी दृष्टि देंगे जो तुम बच्चे ठहर नहीं सकेंगे। वो तो दृष्टि की बात हुई, लेकिन ज्ञान भी ऐसा तीखा होता जाएगा, इतना तीक्ष्ण बातें सुनाएंगे कि जो श्रीमत पर न चलने वाले हैं वो सहन नहीं कर सकेंगे। सुनना दूभर हो जाएगा। तो पांच तत्व विकराल रूप धारण करते हैं तो सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। कौन बचते हैं? जो प्रकृति जीते हैं, माया जीते हैं, वो ही बचेंगे और बाकी सब खलास हो जाएंगे। नौ लाख भी नहीं बचेंगे, कितने बचेंगे? साढ़े चार लाख। साढ़े चार लाख भी नहीं बचेंगे, उनमें भी दूसरे दूसरे धर्म के मोटे मोटे छिलके वाले हैं क्या? जैसे बैल होता है तो उसको अरई मांगो तो भागने लगता है, अगर गेंडा को अरई लगाओ तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसी ऐसी मोटी चमड़ी वाले बीज हैं कि जब तक विनाश की विभीषिका जोर से शुरू नहीं होगी तब तक वो भगवान के सामने झुकने वाले नहीं। सारे नंबर डिक्लेयर हो गए, आठ की माला डिक्लेयर हो जाए, सौ डिक्लेयर हो जाए,
राजा बनने वाले रानियां बनने वाली डिक्लेयर हो जाए, भगवान की विशेष सहयोग देने वाली हजार भुजाएं भी प्रत्यक्ष हो जाए, फिर जागे तो क्या फायदा है। नंबर ही नहीं आएगा किसी का। फिर हाँ शिव बाबा की प्रत्यक्षता कौन सी दुनिया में पहले होगी, जिन्होंने बेसिक ज्ञान लिया होगा चाहे पूर्व जन्म में चाहे इस जन्म में, वो पहले पहचानेंगे और दौड़ेंगे और भीड़ लगाएंगे और आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक लाइन लगेगी या दुनिया वालों की लगेगी। पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया की हर एक बात लागू होती है, सन 76 में पुरानी दुनिया का विनाश नई दुनिया की स्थापना होगी, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, तो बाकी दुनिया के लिए बोला था ब्राह्मण दुनिया के लिए बोला।